ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन गोरखपुर इकाई के मंडलीय सम्मेलन शुक्रवार को तारामंडल रोड स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संत कबीर नगर के सांसद शरद त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि फेडरेशन लखनऊ के अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी, फेडरेशन के मंडलीय अध्यक्ष राम कुमार सिंह, फेडरेशन गोरखपुर इकाई के अध्यक्ष भागवत मिश्रा, विश्वजीत मणि, दिनेश जायसवाल, प्रेमचंद जायसवाल सहित फेडरेशन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। फेडरेशन के लोगों ने मुख्य अतिथि का स्वागत माल्यार्पण और बुके भेंट कर किया। मंडलीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सरकारी सस्ते गल्ले के कोटेदारों को मिलने वाले अनाज में कमीशन की बढ़ोतरी किए जाने, खाद्यान्न को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान तक पहुंचाने की व्यवस्था किए जाने, कोटेदार की मृत्यु के पश्चात परिजन में से किसी एक को सरकारी नौकरी दिए जाने, कोटेदार की विलंबित बकाए भाड़े का भुगतान किए जाने सहित कई अन्य मांगों पर अपने विचार रखे। इस दौरान फेडरेशन के लोगों ने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन संत कबीर नगर के सांसद व मुख्य अतिथि शरद त्रिपाठी को सौंपा। मीडिया प्रभारी होने के नाते सांसद महोदय जी का ताली लेकर आए हैं, यही हम लोगों का सम्मान है। आप भी आप लोग स्वागत करते हैं, संत कबीर नगर जी से आए हैं, इनका भी हम लोग स्वागत करते हैं कि आवाज मोदी जी का स्वतंत्रता प्राप्ति के की आवश्यकता थी तो हम चित्र पर भारत को गौरव उजला कर सर्विस देने के क्षेत्र में बीजेपी को जो मोडिफाइड है, तमाम लोगों को पत्र लिखने के बावजूद भी किसी ने थैंक्स का नाम तो नहीं लिया। मेरी बात सुनना, मेरी मांग को मानना तो दूर की बात रहा, लेकिन मोदी जी के नाम से मैंने दो पत्र लिखा था, जिसमें एक पत्र का तो मूल आधार हो गया कि 27 से आपका 70 रुपया कमीशन तय हो गया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके इस संघर्ष से, आपके इस लाइफ से अभी 2 महीना में आपका भी मान, आपका मानदेय 150 से लेकर 200 रुपया होने वाला है। या किसके साथ अर्थ होगा, या माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अर्थ होगा, और इस प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के समय में आप लोगों का मान बढ़ेगा, यह निश्चित रूप से आप लोग मान के चलिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का हम लोग हार्दिक दिल से सम्मान करेंगे, स्वागत अर्पण वंदन करेंगे। दूसरी मांग हमारी क्या है, दुकानदारों को डोर स्टेप डिलीवरी के मध्य में 10 रुपया दिए हैं, वो भी यहाँ के आरक्षित थे, एक ऐसी उनसे जब हमारी बात हुई तो उनके अथक प्रयास से डोर स्टेप डिलीवरी 10 रुपया हमको मिला। हमारा कहना यह कि 10 रुपया डोर स्टेप डिलीवरी में बंद कर दिया जाए। तीसरी मांग हमारी है कि उचित मूल्य विक्रेताओं का उत्पीड़न रोकने के लिए धारा 3/7 इसे शिथिल किया जाए। यह बता दीजिए भाई, हम लोग किसान हैं, कंपनी का जो कटारी से बढ़ाई, अरे सरकारी सस्ता गल्ला के दुकानदार ने खाती 3/7 अभी भाई नहीं, यह 3/7 जो ये अमेंडमेंट है बहुत हिंसक और गंभीर आरोप है। यह बड़े बड़े व्यापारियों, कोल मर्चेंट, पेट्रोलियम तथा बड़े बड़े खाद्यान्न के व्यापारियों के लिए, सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों के लिए। चौथा मांग हमारे यहाँ मित्रों की, कोटेदार मर जाता है, जैसे सरकारी नौकरी में कर्मचारी मर गया तो उसके परिजन को, उसके पालक को कहीं कहीं उसके शिक्षा के साथ नौकरी दे दी जाती है, लेकिन यह हमारी मांग है कि सरकारी सस्ते गल्ले का दुकानदार का अगर असमय निधन हो गया, असमय में मर गया, तो सरकार का एक अमेंडमेंट है कि यदि विक्रेता की ख्याति अच्छी हो तो ग्राम सभा उसे दुकान देने पर विचार कर सकती है। तो जब प्राथमिकता सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार के परिजन को, तो खुली बैठक कराने की क्या आवश्यकता है, गांव में खुली बैठक करा के भी बात कराने की क्या आवश्यकता है। मृतक आश्रित के रूप में परिजन को तुरंत कोटा दुकानदार बनाना चाहिए, हमारी मांग है सरकार से, क्या उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग है और केंद्र की है कि सरकार से भी हमारी मांग है कि दुकानदारों के मरने के बाद उनके परिजन को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान प्राथमिकता के आधार पर ही आवंटित कर दिया जाए। कि दुकानदारों का लंबित जो भाड़ा पड़ा हुआ है, उसका बजट उनके पास पड़ा हुआ है, वह भाड़ा भुगतान करके और दुकानदारों को उनका भी थोड़ा पैसा आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम करें, हमारी मांग है।